नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। मयाली छत्तीसगढ़ का पहला पर्यटन स्थल बन गया है, जहां स्काउट गाइड का एडवेंचर कैंप का आयोजन किया गया है। इसे देश भर में ख्याति दिलाने में कुनकुरी के विधायक यूडी मिंज का विशेष योगदान है, जिन्होंने सक्रियता के साथ इसे एडवेंचर कैंप के रूप में नई पहचान दिलाई है। अब 13 मई से यहाँ एडवेंचर कैंप का आयोजन हो रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के स्काउटर और गाइडर मध्य भारत के पचमढ़ी जाते थे, उसके बाद अब जशपुर जिले के मयाली में कैंप का आयोजन होगा। ज्ञात हो कि भारत स्काउट और गाइड के 3 साहसिक संस्थान हैं। ये हैं राष्ट्रीय साहसिक संस्थान पचमढ़ी मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय युवा साहसिक संस्थान गढ़पुरी पलवल हरियाणा, राष्ट्रीय साहसिक संस्थान दार्जिलिंग करसियांग पश्चिम बंगाल उत्तराखंड के बाद अब इनमें एक नाम छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक का मयाली भी शामिल हो गया है। भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ का एडवेंचर कैंप मध्य भारत में पचमढ़ी मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के मयाली जशपुर में आयोजित किया। राज्य मुख्यालय ने इसकी अनुमति दे दी है और यह 5 दिवसीय एडवेंचर कैंप 13 मई से जशपुर के मयाली में आयोजित हो रहा है। स्काउट के संयुक्त सचिव सरीन राज ने बताया कि कुनकुरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मयाली में एडवेंचर टूरिज्म के रूप में स्थापित करने के लिए कुनकुरी के सक्रिय विधायक यूडी मिंच के द्वारा लगातार प्रयास कर वहां लैंड बेस वाटर बेस और एयर बेस एडवेंचर के रूप गतिविधियों का आयोजन कराकर एडवेंचर अकेडमी की स्वीकृति कराई है। संसदीय सचिव यूडी मिंच ने आज राज्य स्तरीय शिविर के तैयारियों के संबंध में अधिकारियों और स्काउट के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में स्काउट पदाधिकारियों ने बताया कि पहले दिन बच्चों का आगमन और रजिस्ट्रेशन और फ्लैग होस्टिंग होगा। भ्रमण यातायात के नियमों की जानकारी, स्नेक बाइट के कार्यक्रम, भ्रमण और कैंप फायर होगा। उसके बाद दिनांक 14 मई से 15 को मयाली में लैंड बेस और वाटर बेस विभिन्न एडवेंचर कार्यक्रम पार्थ सारथी दत्ता के मार्गदर्शन में आयोजित होगा, जिसमें रॉक क्लिबिंग, कमांडो नेट, बारमा ब्रिज, जीप लाइन, पेलेनरल रोल, मंकी क्रॉल, रोप क्लिबिंग, बैलेंसिंग रॉक, बोटिंग, मधेश्वर महादेव का ट्रैकिंग, स्टार गेंजिंग किया जाएगा। 16 को कैलाश गुफा खुड़िया रानी में भ्रमण और ट्रैकिंग किया जाएगा। हमारे कुनकुरी के मयाली में जो एक पर्यटन केंद्र के रूप में लगभग विकसित होता जा रहा है, यहाँ पे विगत वर्षों से हम लोगों ने एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग चालू किए थे। वे लगातार प्रयास रहने के बाद हमारे जो साथी विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं विनोद चंद्राकर जी महासमुंद के, जो स्टेट के मुख्य आयुक्त हैं स्काउट एंड गाइड के, तो उनसे हमने चर्चा की थी। साथ ही सुरेश शुक्ला जी से भी बातें हुई थी और बाद में कला सोनी जी जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी भारत स्काउट गाइड के, वे भी यहाँ के देख कर के गए और उसके बाद एक फाइनल किया कि जो अभी तक मध्य भारत में जो स्काउट गाइड की ट्रेनिंग एडवेंचर ट्रेनिंग जो पचपड़ी हुआ करती, उससे कई गुना अच्छा बेहतर हमारा मयाली है। तो ये ट्रेनिंग हम लोग यहाँ भी किए, तो इस साल अभी 13, 14, 15 को यहाँ पर मयाली में स्काउट एंड गाइड की के बच्चों की कैडेट्स की एडवेंचर ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें हमारे कलकत्ता से पार्थ दत्ता जी हैं, जो विगत 25 से 30 साल से रॉक क्लाइंबिंग, माउंट रनिंग और एडवेंचर्स की ट्रेनिंग देते आए हैं और लगातार यहाँ पे वो विजिट करते रहे हैं। तो उन्हीं के दिशा मार्गदर्शन में और उनके देख रेख में सारी ट्रेनिंग्स आयोजित की जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहीं पर, उनका कार्यक्रम हुआ था मयाली में, उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा था और उन्होंने प्रोत्साहित किया कि इस काम को आगे बढ़ाएं। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों को जशपुर ज़िले को मिल गई है, जो आने वाले समय में हमारे टूरिज्म को और नया आयाम स्थापित करेगी। मयाली में या छत्तीसगढ़ में पहली बार छत्तीसगढ़ में कोई स्काउट एंड गाइड का प्रोग्राम हो रहे हैं, वो भी मयाली में, क्योंकि पहले और कहीं जाते थे MP में और बाकी जगह में, तो ये जगह चूज़ किया गया है। हम लोग इसको बनाए हैं ट्रेनिंग सेंटर के हिसाब से और एडवेंचर ट्रेनिंग स्पेशली, उसमें एयर लैंड एंड वाटर सारे एडवेंचर होगा। तो अभी फ़िलहाल जो है ये स्काउट एंड गाइड वाले जो आए हैं बच्चे आएंगे, उनका 14-15 प्रोग्राम है
उनका बेसिकली एडवेंचर जैसे रॉक क्लाइंबिंग, लैंड का एडवेंचर में रॉक क्लाइंबिंग है, फिर रोप कोर्सेज वगैरह हैं। रोप कोर्स में जिप लाइन है, कमांडो नेट है, बर्मा ब्रिज है, फिर पैरेलल रोप है। तो ये सारे एक्टिविटी उनका होगा, जिनका भी टाइम थोड़ा कम है इस टाइम में, जितना मैक्सिमम हो सकता है लैंड एडवेंचर, साथ में थोड़ा ट्रेकिंग होगा, फिर एक वेदर स्टडी का प्रोग्राम होगा। बिकॉज हम लोग मानते हैं एडवेंचर करना है तो टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। अभी का जो प्रैक्टिस है यूट्यूब या तो फेसबुक देख कर जाते हैं और वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज अधूरा होता है, अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं। तो हमारा प्रोग्राम ये है कि वो तैयार हो कि ताकि एडवेंचर आगे भी जाके उनका हिमालय जाना और कहीं भी बुशक्राफ्ट करना है या तो कोस्टल ट्रेक करना है या तो जंगल में जाकर ट्रेकिंग करना है, वो ऐसे तैयारी हो कि वो टेक्निकली साउंड हो जाए, कहीं भी जाकर वो सेफली वापस आ सकते हैं। और इसका साथ साथ वेदर स्टडी में हम लोग जैसे कि पॉकेट वेदर ट्रैकर, वेदर कैसे स्टडी करना है, अभी बहुत सारे बादल है, बादल का क्या नाम है, उसका क्या काम होता है, अभी बारिश जो होता है वो निम्बस क्लाउड से होता है, बहुत जिनको पता ही नहीं है, तो वो उनको सिखाना है। फिर हमारा जो ह्यूमिडिटी होता है उसका क्या असर है ये वेदर चेंज का, या तो जो बारिश होता है उसका साथ ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट का क्या रिलेशन है, ये सारे छोटा छोटा जो वेदर का संपर्क में है वो उनको बताया जाएगा। और साथ में टेलीस्कोप द्वारा उनका स्टार गेजिंग का भी प्रोग्राम रखा है। हमारे पास दो टाइप का टेलीस्कोप, तीन टेलीस्कोप होगा जिनका द्वारे तो हम लोग उनको स्टार का भी पूरा परिचय कराएंगे, हमारा गैलेक्सी क्या है, हमारा जो कॉन्स्टलेशन वगैरह है, हम लोग देखते रहते हैं। और स्पेशली जो सिटी में रहते हैं उनको तो देखने का मौका ही नहीं मिलता है, तो इधर आसमान साफ है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको थोड़ा स्टार के बारे में उनको परिचय कराएंगे। तो अभी तक तो यही है। एंड वाटर स्पोर्ट्स में उनका जो स्पेयर टाइम होगा उनमें हम लोग बोटिंग कराएंगे उनको, क्योंकि हमारा जो कैंप साइट है वो डैम का नज़दीक है, हमारा ऑलरेडी बोटिंग चालू है और उसमें कायक है, पैडल बोट है, स्पीड बोट है, और साथ साथ जो SDRF है वो भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। SDRF का टीम का द्वारा एक रिस्क इवैक्यूएशन का भी एक प्रोग्राम उनका द्वारा होगा।